रात के इस वक्त जब पूरा शहर सो चुका होता है, तो इन्हीं शहरी गुमनाम बस्तियों में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भूख से तड़प रहे होते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए गांव से उनकी ज़मीन से बेदखल किया जाता है। जब तक हम इन लोगों को इनके अधिकार के बारे में जागरूक नहीं करेंगे, तब तक पर्यावरण संरक्षण की हमारी मुहिम अधूरी है। और यही काम हमारा अगले परिंदे नाटकों के माध्यम से पूरे देश भर में कर रहे हैं। चलते हैं अंकुर भाई के पास और सुनते हैं उनकी कहानी। बचपन से मेरा थिएटर में इंटरेस्ट था और पढ़ाई भी चलता रहा, थिएटर भी थोड़ा थोड़ा चलता रहा। फिर जब बड़े हुए तब पॉलिटिक्स से जुड़े, हमारे यहाँ पर जो लेफ्ट पॉलिटिक्स है, वामपंथी राजनीति है, उससे जुड़े। फिर यूनिवर्सिटी के बाद मैंने सोचा कि धीरे धीरे करके थिएटर को बढ़ाया जाए, लेकिन लग रहा था कि ये पूरा जो ग्रुप थिएटर का जो माहौल है, ये थोड़ा फंस रहा है। ये पूरा ऑडिटोरियम के चक्कर में ये फंस रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं वर्तिका से मिला, तो वर्तिका उस टाइम, वर्तिका वो मतलब एक बहुत ककुंड लाइफ, बहुत धनी परिवार से आती है। उसको लग रहा था कि स्कूल के बाहर कुछ स्पेस क्रिएट करना है, जहाँ जिसको वो क्रिएटिव लर्निंग सेंटर कहा जाता था। तो मैं भी आकर जुड़ गया और मैं थिएटर चालू किया स्वभाव में करीबन 8 साल पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे स्वभाव का मेन एक्टिविटी हो गया है थिएटर। जैसे कि मान के चलिए कि हम लोग 3 साल पहले मिस्टर इंडिया करके एक प्ले किए थे, जहाँ पर हम विस्थापन के बारे में बात कर रहे थे, जो विस्थापन करीबन 1950s ऑनवर्ड्स चली आ रही है, डैम्स के लिए और तरह तरह का डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो विस्थापन होता है गांव के लोगों का, उनके मुल्क से, उनके गांव से, उनके परिवार से, उनके रूट से, उनके मोहल्ले से, उनको जाकर बोलना कि आप प्लास्टिक मत यूज़ करो, ये हंसी मजाक की बात है, क्योंकि उसका उनका पूरा खाना प्लास्टिक से आता है। लेकिन ये जो इंसान, ये जो अपने पूरे प्रकृति से इनको छीन के ये जो थोपा जा रहा है प्लास्टिक शैंटी में, मतलब प्लास्टिक की बस्ती मैं कहना, और सैशे वाली जिंदगी में, गंदा पानी, नाला साफ नहीं, हाइजीन का कोई नामो निशान नहीं, ये एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी है मेरे लिए। सिर्फ 2 चीज के लिए, एक है कि इनका जमीन लूटो, इनका नदी लूटो, इनका पहाड़ लूटो मुनाफे के लिए, और इनको ही लाकर हमारे शहर बनाओ सस्ती मजदूर के लिए और ज्यादा मुनाफा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इनको हमको खोल कर दिखाना था। तो उसके बाद मिस्टर इंडिया के बाद हम लोगों ने सोचा धीरे धीरे करके कि स्वभाव का काम को और फैलना जरूरी है। तो हम लोग तरह तरह के ग्रुप से बात करना शुरू किए, तरह तरह के संगठन से बात करना शुरू किए, एक कोलैबोरेशन की तरफ हम बढ़ रहे थे। तो ऐसे करके स्वभाव बहुत सारे फैल चुका है, मतलब और भी हम फैलना चाहते हैं। अभी जो स्वभाव जिस जंक्चर में खड़ा है, उसमें स्वभाव चाहती है कि बच्चों के लिए एक, मतलब जो मार्जिनलाइज बच्चे हैं, जिनका जो अनाथ है, इन लोगों में से अगर 10 बच्चे को हम लोग एक छत के अंदर एक कुछ स्कूल बनाया सकता है शहर से दूर कोई गांव में, जहां पर थिएटर उनका करिकुलम होगा, और अगले 6-7 साल में ये बच्चे ही ये पूरा थिएटर का सोच, ये जो हम लोग जो बात करना चाहते हैं, इनको ही वापस समाज में ले जाएगा। और मेरा एक अपील है, अगर कोई संगठन या कोई इतना मैं रखना चाहता हूँ, कोई संगठन या कोई कलेक्टिव या कोई भी व्यक्ति ऐसे, ये जो मैंने कहा, ये स्कूल वाली चीज़, इसमें हमारे मदद करना चाहते हैं, हम लोगों से कोलैबोरेट करना चाहते हैं, हम लोगों से जुड़ना चाहता है, तो ज़रूर संपर्क कीजिए।